हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख करते हैं। गोरक्षा को लेकर आपने हंगामा सुना होगा, कानून को हाथ में लेकर बवाल मचाते भी देखा होगा, लेकिन जमीन पर कानून की हालत से हाईकोर्ट हैरान है। यूपी में गोरक्षा के नाम पर कैसे हो रहा है गुनाह, देखिए इस रिपोर्ट। गोरक्षा के नाम पर हिंसा ने कुछ दिनों पहले देश में हड़कंप मचा दिया था। गो तस्करी के शक में कानून अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी की इन तस्वीरों पर देश में हाहाकार मचा था। यूपी के हापुड़, झारखंड के रामगढ़, दादरी के अखलाक समेत गाय के नाम पर आतंक की ऐसी दर्जनों तस्वीरें हैं जो अब तक देश के मस्तिष्क में दर्ज हैं। गो तस्करी और गो हत्या के शक में गुंडागर्दी की कई वारदात देश में हो चुकी है। गाय के प्रति पीएम मोदी हो या सीएम योगी, इनकी श्रद्धा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन यूपी में गाय को लेकर जमीनी हकीकत क्या है, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। गोहत्या रोकथाम अधिनियम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यूपी में कानून का दुरुपयोग हो रहा है, बेगुनाहों को आरोपी बनाकर जेल भेजा जा रहा है, लोग ऐसे गुनाह में जेल भेजे जा रहे हैं जिन्हें वे करते ही नहीं, लोग लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं, बरामद मांस को फोरेंसिक जांच किए बिना ही गोमांस बता दिया जाता है। ये बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने शामली से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने शामली के रहीमुद्दीन को शर्तों के साथ जमानत दे दी, जो 5 अगस्त से जेल में बंद था। गाय के नाम पर हिंसा के अलावा गौशालाओं को लेकर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। यूपी की गौशालाओं में बेहतर सुविधा नहीं है, गौशालाएं सिर्फ दुधारू गायों को ही रखती हैं, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को रोड पर छोड़ दिया जाता है, लावारिस गायें फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, लावारिस गायों की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं। गाय और गौशालाओं को लेकर हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां सरकार के दावों पर सवाल उठाती हैं। गोरक्षा के नाम पर भीड़ के हिंसक रूप अपनाने वालों को पीएम मोदी काफी पहले सख्त संदेश दे चुके हैं। अब हाईकोर्ट के बयान ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि गोहत्या रोकथाम अधिनियम कानून के नाम पर कई तरह की लापरवाही बरती जाती है।